हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन। सो गाइस, मैं जयेश गर्ग, आरएसएस स्कॉलर एट आईटी मद्रास एंड आरसीएफएल सिलेक्टेड। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिस ईयर आरसीएफएल हैज टेकन आउट 51 नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द एमटी केमिकल इंजीनियरिंग। तो गाइस, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका गेट एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाता, या फिर वो गेट में काफी अच्छा रैंक, डिसेंट रैंक नहीं स्कोर कर पाते, अंडर 100 नहीं आ पाते, तो उन्हें पीएसयू नहीं मिल पाता है। बट गाइस, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। विदाउट गेट ऑल्सो देर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ PSU vacancies exist like RCFL, HPCL, Goa Shipyard Limited and many more so on. So guys, recently अभी RCFL के interviews chemical के conclude भी हुए, उसका result भी आ चुका है and इसको मैंने crack भी कर दिया है। अब RCFL में guys total दो stage होती है process में। जो पहला stage होता है that is examination होता है, जो कि CBT exam होता है, और जो दूसरा step होता है that is interview। अब सीबीटी एग्जाम कितना परसेंट वेटेज कैरी करता है, इट इज कैरिंग 80% वेटेज, एंड जो आपका इंटरव्यू कैरी करता है दैट इज 20% वेटेज आपका इंटरव्यू कैरी करता है। सीबीटी एग्जाम का ऑलरेडी मैंने वीडियो डिटेल में बना रखा है कि उसका पेपर पैटर्न कैसे होता है, उसकी तैयारी कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी मेड दैट। आज मैं इसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में मैं जिक्र करूंगा कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, बिकॉज पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो चलते हैं गाइस सीधा टॉपिक की ओर। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मेरे इंटीमेशन फॉर ऑनलाइन एग्जाम राष्ट्रीय केमिकल ट्रेनिंग, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इधर साइड में आप लोग देख सकते हैं ये मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम देख सकते हैं आप। ये रोल नंबर था मेरा 4620 32701, यहाँ पे मेरा लिस्ट में नंबर भी दिख रहा है, वरना आप लोग कहेंगे कि ये फर्जी का वीडियो बना दिया है करके, है ना। इसीलिए गाइस प्रूफ के साथ बता रहा हूँ मैं कि देख सकते हैं आप, वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि नाम आया है या नहीं आया है, या रजिस्ट्रेशन नंबर आया है या नहीं आया है। ओके, तो गाइस आरसीएफएल में अगर मैं बात करूं गाइस, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस पे काफी फोकस करते हैं, दो बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दो बार। ऐसा नहीं कि बाकी पीएसयू के तरह की एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यहाँ पे दो बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कुछ आप देख सकते हैं ये जो पैनल, ये आपको टेबल दिख रहा है, कुछ इस तरीके का टेबल होता है। आप लोग को आरसीएफएल के लिए इनके एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग जो होती है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में आप लोग को बुलाया जाता है, जो कि चेंबूर में सिचुएटेड है। वहां पे आप लोग को 9:30 बजे का टाइम दे दिया जाता है, 9:30 बजे आप लोग को बुला लिया जाता है आरसीएफएल के हेडक्वार्टर्स। वहां पे गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसा राउंड टेबल होता है, राउंड टेबल में लगभग 6 HR बैठते हैं, टोटल 6 HR आपका 1 by 1 चेक करते हैं, तो दो बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मेरा भी दो बार वेरिफिकेशन हुआ, इवन मैंने गलती करी थी, टोटल 4 बार मेरे को रीफिल फॉर्म करना पड़ा। तो गाइस इसके बाद क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कि इनका जेरोक्स, काफी सारे बच्चे ऐसे होते कि कोई जेरोक्स भूल जाता है, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, वो लोग जेरोक्स वहां पे दे देते हैं। ओके, वहां पे आप लोग को 3 फॉर्म मिलते हैं, एक बायो डाटा फॉर्म होता है, एक टीए फॉर्म होता है, और एक मेल का प्रिंटआउट आप लोग को सबमिट करना होता है वहां पे। ओके, तो ये सारा का सारा 3 फॉर्म मिलते हैं, वो 3 फॉर्म को आपको फिल आउट करके उनको सबमिट करना होता है। 9:30 बजे आप लोग को बिल्कुल 9:30 बजे आप लोग को बिल्कुल बैठ जाना है, वहां पे स्टार्ट हो जाता है उनका डीवी, स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, जिस दिन मैं इंटरव्यू दे रहा था उस दिन अनुज शुक्ला करके एक स्टूडेंट है, उनका जो क्वालिफाइंग डिग्री होता है, वो जो क्वालिफाइंग डेट होते हैं, जैसे कि इसमें जो डेट होती है वो डेट के बाद की थी, तो उनको इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफी स्ट्रिक्ट होता है, तो जो भी अप्लाई करते हैं तो इसमें डिग्री इज मस्ट, डिग्री आपकी होनी चाहिए जो डेट होती है उसके पहले की। तो गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हो गया, ऑलमोस्ट गाइस आधा घंटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू स्टार्ट होता है, आपका पर्सनल इंटरव्यू स्टार्ट होता है। अब गाइस पर्सनल इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं, तो टोटल 5 पैनल मेंबर थे मेरा। जिस टाइम पे मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, दैट वॉज 1:25 PM, 1:25 हो रहे थे, एंड आई केम आउट एट 1:45 PM। 20 मिनट का मेरा इंटरव्यू चला, एंड आई वॉज सेकेंड लास्ट बिफोर द लंच। वॉट फॉर द क्वेश्चन आस्क टू मी, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वॉज इंट्रोड्यूस मी योर सेल्फ, सेकेंड क्वेश्चन वॉज फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू। तो आई सेड सर आई बिलोंग टू नागपुर महाराष्ट्र। उसके बाद क्वेश्चन चालू हुए कि आप वॉट आर द प्रोडक्ट डू यू अवेयर ऑफ, कि हम लोग आरसीएफएल में क्या प्रोडक्ट बनाते करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ
कि यूरिया, जैसे कि फिर मैंने बताया कि सर यूरिया है, सफोला है, सफाला है, बायोला है, माइक्रोला है, बहुत सारे। तो यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है? तो मैंने बोला सर 46% नाइट्रोजन। अब ये 46% नाइट्रोजन कैसे आया आप कैलकुलेट करके दिखाइए। उन्होंने ये बोला कि फाइंड द परसेंट नाइट्रोजन इन यूरिया। ठीक है, मैंने बता दिया कि सर वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो नहीं सॉल्व करके दिखाओ बोले। ठीक है, तो मैंने निकाल दिया वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि अब अमोनिया का बना के दिखाओ, अमोनिया का बताओ। तो मैंने वो भी बता दिया कि सर 14/17 आएगा इसका। उसके बाद कुछ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। थर्मोडायनेमिक्स में गाइस जो सेकंड पैनल मेंबर था उससे स्टार्ट किया कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ, व्हाट आर डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद व्हाट इज, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इक्वेशन ऑफ स्टेट, हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ स्टेट एग्जिस्ट। उसके बाद जो सेंटर के पैनल मेंबर थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट हीट एक्सचेंजर्स। तो मैंने बोला सर मल्टीपल हीट एक्सचेंजर्स आर देयर, व्हिच टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर आर यू, डू यू वांट टू आस्क मी। तो उन्होंने कहा कि टेल मी अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टाइप। तो मैंने बता दिया सर कि डायरेक्ट टाइप, इनडायरेक्ट टाइप में शेल एंड ट्यूब होते हैं, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, फ्लोटिंग टाइप हेड, फ्लोटिंग टाइप हेड हेड हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया। अब बोलते हैं कि सर फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्यों यूज करते हैं हम लोग, फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स क्यों यूज करते हैं, तो वो भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर यूट्यूब हीट एक्सचेंजर से कैसे डिफरेंट है, फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर यूट्यूब हीट एक्सचेंजर से कैसे डिफरेंट है, ये भी बता दिया मैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनका आया कि आप ट्यूब पिच और क्लियरेंस से क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द ट्यूब पिच एंड क्लियरेंस। ओके, तो आई टेल दिस आल्सो। देन दे आस्क मी अबाउट व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कैलोरीफिक वैल्यू, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू, व्हाट इज हीट पंप। देन एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट दिस क्वेश्चन वर आज, देन दे केम टू कूलिंग टावर। कूलिंग टावर बिकॉज गाइस जब आप लोग एंटर करते हो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में तो कूलिंग टावर वहां पे इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर, कूलिंग टावर का काफी ज्यादा यूज है इस अमोनिया प्लांट में। तो इसी रिलेटेड गाइस मुझसे पूछ लिया गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी क्या होती है, ये भी पूछ लिया। अब कूलिंग टावर पे चलते, तो कूलिंग टावर में गाइस कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जैसे कि साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, रेंज क्या होता है, अप्रोच क्या होता है, हाउ डू यू कैलकुलेट द एफिशिएंसी इन एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग टावर, ये क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ड्यू पॉइंट टेंपरेचर, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वेट बल्ब टेंपरेचर। ओके, सो दिस वर द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड टू मी। ब्लो डाउन क्यों करते हैं, ब्लो डाउन और साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन में रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में मुझसे पूछा गया। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं दिस आर द क्वेश्चन व्हिच वर आस्क्ड टू मी। आप, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिस वर द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड टू मी इन माय पर्सनल इंटरव्यू। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया कि आपके फैमिली क्या करती है, आपको आरसीएफएल क्यों ज्वाइन करना है, क्या शिफ्ट जॉब में आप कंफर्टेबल है, एंड मेनी मोर सच एचआर, बेसिक एचआर क्वेश्चन दे वर आस्क्ड। मेरा जो इंटरव्यू था गाइस दैट वाज बेस्टली ऑन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तीनों लैंग्वेज में मेरा इंटरव्यू चला था। एंड मोस्टली इट वॉज इंग्लिश, 70% वॉज इंग्लिश, 20% हिंदी एंड 10% मराठी, ये इंटरव्यू चला था। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इनको लगता है, ये सोचते हैं कि महाराष्ट्र लोग को फेवर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, महाराष्ट्र लोग को फेवर नहीं करते, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा दूंगा बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड इन माय डे टोटल 34 स्टूडेंट्स आए थे इंटरव्यू देने के लिए, 34 स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने के लिए आए थे। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स लगता है, कुछ भी डाउट्स लगते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करना है, इसके टेस्ट सीरीज कैसे प्रिपेयर करनी है, या फिर कुछ लगता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।